तो हाय गाइस, गुड इवनिंग। और अभी का समय इवनिंग बोला ही ठीक है। तो सीन कुछ ऐसा, वीडियो मेरा आ ही नहीं रहा है, क्या बोलूँ, क्योंकि समय नहीं मिल रहा है पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, सुबह उठता हूँ, सुबह मतलब 8-9 बजे उठने के बाद सीधा रेडी होकर एकदम क्लास में जाकर एकदम 4-4:30 बजे आता हूँ, ठीक है। आने के बाद सीधा एकदम कैंटीन, कभी कभी जाता हूँ कैंटीन चाय वाय पीने के लिए, उसके बाद रूम पर, ठीक है। रूम पर आने के बाद नहा, पानी होता तो नहा लेता, ठीक है, बाथरूम में, ठीक है। उसके बाद नहाने के बाद सीधा, अगर नींद आए तो सीधा सो जाना है, 7-7:30 बजेगा। उसके बाद चलता हूँ एकदम कैंटीन पर खाने के लिए, ठीक है, डिनर का। अभी कुछ पहले हुआ है सीन ऐसा, खाने मतलब डिनर करने के बाद हम लोगों को सीधा जाना है लाइब्रेरी में, ठीक है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये काल से शुरू हुआ है तो टाइम एकदम भी नहीं है। 10 बजे पर आकर क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऐसा सीन चल रहा है। और आज गाइस सीधा कॉलेज से आकर सोचा था मैंने, एक बी बॉय नाम के यूट्यूबर से तो उसका एक फिल्म आने वाला था, तो ये सोच रहा था देखूंगा, ठीक है। आने के बाद आज 7 तारीख है ना, तो आकर वीडियो नोटिफिकेशन आया बी बॉयज का जो फिल्म है, तो वो नहीं आएगा क्योंकि उसका ऊपर एडिटिंग नहीं कर पाए, उसके मन मुताबिक जो एडिटिंग करवाना चाहते हैं वो नहीं हो पाए, ये सोच रहा था हम, तो ऐसा सीन आकर वीडियो ये देख लिया। और रूम का हालत कुछ प्यारी मैच काट के एकदम लाल कर दिया, मेरे आंखें वाखे जल रहा है साले। मूढ़ी बनाने के लिए जो प्याज कटा है वहाँ पर सुदीप पॉल, चलो मूढ़ी बना। तो प्याज और मिर्ची जो काट के रखा है इसकी वजह से आंखें जल रहा है यार, ये साला कर भी नहीं रहा है पूरा। ये मूढ़ी बहुत ही खतरनाक है गाइस, बहुत ही मिर्ची डाला है इसने, बनाकर तैयार भी कर लिया, मुंह में लिया, जल रहा है पूरा एकदम। ले ले और इस समय का बाहर का सीन देखो, मौसम देखो, बाहर का एकदम घटिया मौसम है, मतलब बारिश हो रहा है। हेलो गाइस, खिड़की से ले रहा हूँ पूरा एकदम, तो ऐसा मौसम है बाहर, एकदम क्लाउड में भर रखा है गाइस। कितना जोर से बारिश हो रहा है देखो, एकदम पूरा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, इतना जोर से बारिश हो रहा है। इधर थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, छत तो खुला है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर ही बाहर ही घूमने के लिए आए, मतलब हमारे जो फ्लोर है उस फ्लोर में जो मतलब एरिया है उस फ्लोर के एरिया में घूम रहे हैं हम। ये क्लासरूम जैसा दिख रहा है लेकिन इसमें कोई क्लासरूम है ही नहीं, इसमें मतलब क्लास होता नहीं इसमें से। देखो गाइस बाहर का नज़ारा, हाँ देखो ये देखो, है भीग भीग के होली खेल रहा है, अरे खतरनाक सीन है ये तो, पहले मैंने देखा ही नहीं। ओ ये इतना मजा ले रहा है भीग भीग के, भाई क्या बताऊं यार, ये चीज देख के गाइस मेरे गांव का सीन याद आ गया। इस भीग भीग के हम लोग भी फुटबॉल खेला करते थे गाइस, ओ ये सीन मिस कर रहा हूँ मैं भी, बहुत ही मिस हो रहा है यार ये सीन। भीग भीग के गाइस फुटबॉल खेला अच्छा होता है लेकिन होली भीग के यार अच्छा नहीं लगता है, फिर भी ये लोग खेल रहा है यार, कितना मजा ले रहा है। बेंच से स्ट्रक्चर है लेकिन बेंच का जो कुर्स है वो सही नहीं है इसमें। तो आप लोगों के साथ गाइस एक चीज़ शेयर नहीं किया मैंने, ठीक है, आज का सीन जो हुआ क्लास में, हम तो है नर्सिंग स्टूडेंट है कि नहीं, जो व्यूअर्स है मेरा मुझे सबको शायद पता होगा, सब्सक्राइबर लोगों को। तो आज क्लास था, क्लास में हम लोग तो इंग्लिश में, मेरे को खास कर इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ठीक है, सच बताऊँ तो एकदम, ठीक है, समझ में आता है लेकिन क्या होता है एक्सप्लेन करने वक्त हमारा दिक्कत होता है, तो इसलिए परेशानी रहता हूँ, ठीक है। जो एग्ज़ाम का पेपर है उसमें भी ज़्यादा दिख नहीं पाते, सेंटेंस तैयार ही नहीं कर पाते, ठीक है, ये ऐसा प्रॉब्लम है। तो
मुझे जितना तरह लगता है प्रैक्टिकल ज़्यादा देगा तो अच्छा लगेगा ना, प्रैक्टिकल ज़्यादा सिखाएगा तो अच्छा सीखूंगा ऐसा लगता है मुझे। और यहाँ पर क्या सीन है, प्रैक्टिकल है ही नहीं ज़्यादातर, ठीक है, जो है सिर्फ थ्योरी के थ्योरी थ्योरी थ्योरी, प्रैक्टिकल होता ही नहीं। तो आज कैनोला इंजेक्शन मतलब कैनोला सिरिंजेस है ना, सिरिंजेस जो बहुत सारा रहता है 16 to 28 गॉज नीडल्स जो होता है उसके बारे में बोल रहा था सर, तो वो देख के मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है। मतलब इतना मोटा मोटा सिरिंज पेशेंट लोगों को लगाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कैसे लगाता है कि नहीं, मतलब इसको कुछ फील होता है कि नहीं, इसको दर्द होगा, अगर हम लोग उसका दर्द फील करने लग जाए तो हम ये पूछ ही नहीं कर पाएंगे। तो खास करके मेरे साथ जो हुआ था, पहली बार जब वैक्सीनेशन देने के लिए गया था फर्स्ट टाइम पर, हैंड शेकिंग हो रहा था ऐसे ऐसे करके, मेरा अगर हैंड शेकिंग होगा ठीक है, मैं उसका फील मैं लूँगा, याद मतलब वो जो फील कर रहा है अगर मैं सोचूंगा ऐसा वो उसको दर्द हो रहा है तो मैं दे नहीं पाऊँगा, ऐसे ऐसे हैंड शेकिंग ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक डर हटा दिया, हटाने के बाद वैक्सीनेशन कर पाया मैंने, अराउंड हो गया 200-250 से ज़्यादा कर दिया। गाइस वैक्सीन का सीन और कैनोला में अलग होता है, जो वेंस होता है हमारा वेंस में लगता है ना, तो वेंस में अलग अलग सिरिंजेस होता है, अलग अलग सिरिंज में लगाता है। तो आज ये सब चीज़ पढ़ा रहा था, मुझे फील हो रहा था ऐसा ऐसा, ठीक है, रूम में अगर डिस्कस कर रहा था किसी और के साथ, अगर उसका फील मैं करूँगा तो नहीं लगा पाऊँगा, ठीक है। तो बहुत सारे ये भी सोचते हैं डॉक्टर लोग या नर्स लोग कैसे लगाता है ऐसा ऐसा सिरिंजेस, सब कुछ नहीं गाइस, ये सब प्रैक्टिस का खेल है, अगर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, मेरा भी सेम केस, अगर प्रैक्टिस होगा तो हो जाएगा। और अभी रूम पर आया गाइस, रूम पर 6 बज गया, रूम पर मतलब मेरा बोलने का मतलब रूम पर नहीं है, 6 का टाइम है और अभी 6:30 पर कैंटीन जाना है खाने के लिए, तो उससे पहले थोड़ी नींद ले लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। रूम का लाइट भी ऑन नहीं है, ऑफ कर दिया क्योंकि सोना है, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, उसके बाद रेस्ट लेते हैं, उसके बाद उठते हैं। अभी का टाइम है गाइस 11:30, तो आज इतना था कि आप सभी बिस्तर में सर लगा चुके थे, तो जल्दी जल्दी सो जाते हैं, कल सुबह सुबह उठते हैं 9 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, बाय बाय।